अब ओडिशा के संबलपुर में हिंसा, कई पुलिसकर्मी घायल, धारा 144 लागू। ईडी ने माफिया अतीक अहमद की 50 सेल फर्में, 75 लाख रुपए नगद, 200 बैंक खातों के दस्तावेज किए जब्त। पंजाब में गढ़शंकर में दर्दनाक सड़क हादसा, पैदल जा रहे श्रद्धालुओं को ट्रक ने कुचला, 8 की मौत। यूक्रेन से लौटी मेडिकल छात्र भारत में दे सकेंगे फाइनल एग्जाम, विदेश मंत्री झापरोवा ने की घोषणा। महागठबंधन में बीजेपी की सेंध, इधर नीतीश विपक्ष को जोड़ रहे, उधर जीतन राम मांझी चले अमित शाह से मिलने। मुंबई एयरपोर्ट पर फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों का भारी हंगामा, जमीन पर बैठकर लोगों ने जताई नाराजगी। जेके में मुठभेड़ जारी, गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई बैठक, शामिल होंगे शीर्ष अधिकारी। भरतपुर में अंबेडकर की मूर्ति लगाने को लेकर मचा बवाल, पुलिस ने छोड़े आंसू गैस के गोले। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, 127 करोड़ की बेनामी संपत्तियों का पता लगाया। निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक IMF के बैठक में लिया भाग, कहा भारत वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को लेकर चिंतित है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।